सागर दातागंज में ब्लॉक परिसर में कृषि केंद्र सभागार की कृतिका यूथ डेवलपमेंट एकेडमी दातागंज द्वारा भाजपा वरिष्ठ नेता एवं जिला पंचायत सदस्य धीरज सक्सेना को जिला पंचायत अध्यक्ष संचालन समिति के सदस्य मनोनीत किए जाने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं भारतीय संविधान दिवस भी मनाया गया। जी, आज जो भारतीय संविधान दिवस आपने मनाया है और इसमें EBBSS ये प्रशिक्षण है, इसका क्या उद्देश्य है, बच्चों को क्या फायदे हैं? जो नेहरू युवा केंद्र है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का विभाग है, वो 15 से 19 वर्ष के ग्रामीण युवाओं के लिए कार्य करता है। ग्रामीण युवाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देना, सिलाई कढ़ाई बच्चों की खेती कराना, इस तरह बहुत सारे प्रशिक्षण। इसका मतलब है कि जो हमारे बेसिक प्रशिक्षण है वो आसानी से ग्रामीण क्षेत्र में कराई जाती है, उसी का एक उदाहरण है। यहाँ कंप्यूटर ट्रेन जी, इस प्रशिक्षण को करने के बाद बच्चों को क्या लाभ मिल सकता है? प्रशिक्षण प्राप्त बच्चों के लिए इसमें वजीफा की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा और वो जो प्रमाण पत्र है वो चूँकि सरकारी तौर पर मिलेगा, उसका कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसके कैरियर में कार्य आएगा, मतलब काम आएगा। और उसके बाद भी वो प्रशिक्षण अगर दे देते हैं उन्हें, हमें आगे ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी। सक्सेना हूँ और जो अध्यक्ष जिला पंचायत के पद रिक्त होने पर संचालन समिति बनाई गई है उस समिति का सदस्य हूँ और यहाँ दातागंज के वार्ड नंबर 2 सिसैया गोसाई से सदस्य जिला पंचायत। जी, भारतीय संविधान दिवस पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने आम नागरिक को भी संविधान की शपथ लेने के लिए निर्देशित कर दिया या स्वीकृति दे दी। इससे पहले आपने टीवी में देखा होगा कि माननीय मंत्रीगण या जो लोग जनप्रतिनिधि चुन के जाते थे केवल उन्हीं के द्वारा शपथ ली जाती थी। आज ये हमारे देश का गौरव है, हमारे बच्चों का सौभाग्य कि छोटा छोटा बच्चा भी संविधान के बारे में जान रहा है और संविधान की शपथ लेता है। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए संविधान को अगर डिफाइन करें तो संविधान देश का होता है, संविधान प्रदेश का होता है।